वेलकम बैक व्यूअर्स, मेरा नाम है बिलाल काशी और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक ऐप लॉन्च किया था स्पिनर कैश के नाम से, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। यह वीडियो उसी ऐप के हवाले से है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस ऐप में कैसे काम करना है, इस ऐप के ज़रिए कैसे अर्निंग करनी है और इस ऐप से कैसे विड्रॉ लेना है और इस ऐप के कौन से वर्जन पर काम करना है और किस वर्जन पर काम नहीं करना है और इसके साथ साथ आप लोगों के कुछ सवालात हैं वो भी हम क्लियर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आपने इसके लेटेस्ट वर्जन पर काम करना है जो 6.1 है और अगर आप इससे लोअर वर्जन पर काम कर रहे हैं जैसे कि 5.1 है या 4.1 है या 3.1 है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर काम ना करें। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमने उसका डेटाबेस चेंज कर दिया है। जो 6.1 है उसका न्यू डेटाबेस है और जो 6.1 से नीचे वाले वर्जन है उनका पुराना डेटाबेस है, जो कि हैंग हो गया था और लोगों ने हैक भी कर लिया था। जो लोग इस ऐप पर काम कर रहे हैं उन लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि जो पिछला वर्जन था उसमें बहुत ज़्यादा बग्स थे, मतलब कि पॉइंट्स ऐड नहीं होते थे, इसी तरह विड्रॉल का मसला था और जो हमारा ऐप था वो सही तरह से काम नहीं करता था, 2 मिनट चलता था उसके बाद बंद हो जाता था। इसलिए जो लोग इसके पिछले वर्जन पर काम कर रहे हैं जैसे कि 5.1 है या 4.1 है, इससे नीचे वाले वर्जन है, तो उनको हम पेमेंट नहीं भेज पाएंगे। इसकी वजह यह है कि हमें पता नहीं चलता है कि किस बंदे ने जो है अपना पेमेंट किया है, किसी हैकर ने किया है या किसी ओरिजिनल बंदे ने किया है, और उस पुराने डेटाबेस से आने वाली विड्रॉल रिक्वेस्ट को हम प्रोसेस में नहीं लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि ये कोई हैकर है या हमारे ऐप का यूज़र है। इसलिए आप लोग न्यू वर्जन पर काम करें। न्यू वर्जन में हमने सिक्योरिटी हाई कर दी है, ये हैक होना बहुत ही मुश्किल है। और इसके साथ साथ जो बग्स थे, मतलब कि ऐप 2 मिनट चलता था फिर बंद हो जाता था या किसी के पॉइंट्स ऐड नहीं होते थे, वो बग्स भी हमने फिक्स कर दिए। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने इस ऐप पर काम कैसे करना है। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपके मोबाइल में इसका जो भी वर्जन है उसको अनइंस्टॉल करें। अनइंस्टॉल करने के बाद आपने प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आपने क्या लिखना है, स्पिनर कैश, ठीक है। स्पिनर कैश लिखेंगे तो ये इसका लोगो है, ठीक है, और यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो इसका जो करंट वर्जन है ये आप चेक कर लें, 6.1 है, इसको आपने नोट कर लेना है। वैसे भी आप प्ले स्टोर पर आएंगे और सर्च करेंगे तो आपको 6.1 ही मिलेगा। तो आप लोगों ने 6.1 वर्जन को इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने न्यू अकाउंट बनाना है। न्यू अकाउंट बनाना बिल्कुल आसान है। न्यू अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है, लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह की आपके पास स्क्रीन आ जाएगी, तो यहाँ पर आप लोगों ने अर्न मोर पर क्लिक नहीं करना। यहाँ पर हमने रेफर सिस्टम लगाया था जो कि हम लोगों ने हटा इसलिए दिया कि ज़्यादातर लोग जो है फेक रेफर्स बनाते थे जिसकी वजह से हमारा डेटाबेस हैंग हुआ था। इसमें काम करना बहुत ही आसान है। आपने स्पिन एंड अर्न पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपने इसको स्पिन करना है। जैसे आप स्पिन नाउ बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके जो है ना पॉइंट्स आ जाएंगे, आपने ओके करना है तो आपके ये पॉइंट्स जो है ना इधर ऐड हो जाएंगे। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, अगर एड्स आते हैं तो आपने क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को लाइव दिखा देता हूँ। तो ये पॉइंट्स हमारे अभी 46 है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको स्पिन करते हैं दोबारा से, तो ये हमें 5 पॉइंट मिले हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ ऐड हुए हैं कि नहीं हुए। तो यहाँ पर देखें 51 हो गया, यानी कि पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि स्पिनर पर तो पॉइंट बहुत कम है, अगर आप यकीन से जो है ना 2 घंटे काम करें तो आपके 10 से 15 रुपए बन जाते हैं और आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने ज़्यादा यूज़र हैं, तकरीबन 2000-3000 यूज़र बनते हैं और अगर वो डेली के 2-2 रुपये कमाएँ या 1-1 रुपये भी कमाएँ ना इससे, तो हमें 5 से 6 हज़ार भेजना पड़ता है। तो अभी तक हमें एडवर्टाइजमेंट से इतनी अर्निंग नहीं हो रही है, इसलिए जो है ना हमने पॉइंट्स जो है ना बहुत ही कम रखे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी आप ये न्यू वर्जन इंस्टॉल करने जाएं प्ले स्टोर से, तो वहाँ पर आपने 5 स्टार की रेटिंग देनी है। जब आप 5 स्टार की रेटिंग देंगे तो हमें स्पॉन्सर मिलेंगे, हमें ऑफ़र्स वाल मिलेगी, ठीक है, CPA नेटवर्क से ऑफ़र्स मिलेंगी जो हम इस ऐप में लगाएंगे, जिससे आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी।
वैसे भी ये पॉइंट्स इतने कम नहीं है, आपके लक पे भी डिपेंड करता है। और अगर आप इसको 2 घंटे रन करते हैं तो आपके 10 से 15 रुपये आराम से बन जाते हैं। और इन बातों के अलावा आपको एक और बात माइंड में रखनी है कि जब आपको ऊपर नोटिफिकेशन आता है कि आज आपने एक ऐड पर क्लिक करना है, तो उस दिन आपने सिर्फ एक ऐड पर क्लिक करना होता है, ज़्यादा ऐड पर क्लिक नहीं करना होता। तो ऐड पर आपने इसलिए क्लिक करना होता है कि आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो उस एडवर्टाइजमेंट से हमें अर्निंग होगी और हम आपको जो है ना पेमेंट भेज पाएंगे। अगर हम आप लोगों को ऐड पर क्लिक करने का नोटिफिकेशन भेजते हैं और आप लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, ऐड पर क्लिक नहीं करते हैं, तो आपकी जो पेमेंट होगी, हम उस वक्त जब पेमेंट करने लगेंगे तो हम नोटिफिकेशन वाइज आपके क्लिक देखेंगे। अगर आप लोगों ने क्लिक को इग्नोर किया होगा तो हम जो है ना वो क्लिक के पैसे काट लेंगे। और अगर हम आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजते और आप लोगों से गलती से क्लिक हो जाता है तो उसकी कोई परेशानी नहीं है। अगर आप नोटिफिकेशन के बगैर जानबूझकर क्लिक करेंगे तो उस सूरत में आपका अकाउंट जो है ना बंद कर दिया जाएगा, डिसेबल कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। तो इसलिए आपने माइंड में रखना है कि जब भी नोटिफिकेशन आपके पास आए तो उसी दिन आपने एक क्लिक करना होता है, एक से ज़्यादा क्लिक नहीं करना होता, एक ऐड पे आपने क्लिक करना होता है उस दिन। और फिर जब आप उस पे क्लिक करते हो तो उस ऐड में आपने 40 से 50 सेकंड वेट करना होता है और उसको स्क्रॉल डाउन करना होता है, स्क्रॉल अप करना होता है, उसके बाद आपने उसको क्लोज कर देना होता है। उस दिन आपने कोई और क्लिक नहीं करना जब तक आपको न्यू नोटिफिकेशन ना मिले। इसके साथ साथ आप लोगों को एक और बात माइंड में रखनी है, जब आपके यहाँ पर पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं, यहाँ पर मैं अपने पॉइंट्स इंक्रीज़ करके आपको दिखा देता हूँ कि आपने विड्रॉल की रिक्वेस्ट कैसे करनी है। आपने रिडीम रिवार्ड्स पे जाना है, तो रिडीम रिवार्ड्स पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपके पॉइंट्स पूरे होंगे, तो जब आप सबमिट करेंगे तो पॉइंट्स पूरे होंगे तो आपकी जो है ना रिडीम की रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी। आपने एक ख्याल रखना है कि अगर आपने एक रिडीम की रिक्वेस्ट की है, यानी कि पे आउट की रिक्वेस्ट की है, तो जब तक आपको पिछली पेमेंट नहीं मिल जाती है आपने न्यू रिक्वेस्ट नहीं करनी है। अगर आपको पिछली पेमेंट नहीं मिलती है, आप न्यू रिक्वेस्ट कर देते हैं, तो जब हम आप लोगों को पेमेंट भेजने लगेंगे तो हम आपके पॉइंट्स देखेंगे, पे आउट रिक्वेस्ट देखेंगे, तो वो हमें दिखाई नहीं देगी क्योंकि डेटाबेस में वो मर्ज हो जाएगी, यानी कि पिछली और अगली मर्ज हो जाएगी। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने करना क्या है कि जब तक आप लोगों को पिछली पेमेंट ना मिल जाए तो आपने न्यू पे आउट रिक्वेस्ट नहीं करनी है। लास्ट में आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अभी जो है ना हमारा ऐप न्यू है, इसमें और भी बग्स हो सकते हैं और हम इसको अपग्रेड करते रहेंगे। अभी अर्निंग भी थोड़ी है, इतनी भी थोड़ी नहीं है, आप काम करें तो काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह अर्निंग भी बढ़ाएंगे, इसके पॉइंट्स भी इंक्रीज़ करेंगे। जैसे जैसे हमें रेटिंग अच्छी मिलेगी, हमें एड्स अच्छे मिलेंगे, उसी तरह हमारी अर्निंग इंक्रीज़ होगी, उसके साथ साथ आप लोगों की अर्निंग भी इंक्रीज़ होगी। बस आप लोगों का तावन चाहिए, अगर आप लोग तावन करेंगे तो ये ऐप कामयाब हो जाएगा, अदरवाइज़ अगर आप तावन नहीं करते तो ये ऐप जो है ना 1 महीना और चलेगा, 2 महीने और चलेगा, उसके बाद ये ऐप बंद हो जाएगा। आप भी खुश रहना, फिर मैं भी खुश रहूँगा। तो दोस्तों ये थी इसकी अपडेट और इस तरह आपने इस पर काम करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी नेक्स्ट अपडेट आसानी से मिलती रहे तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।